हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओनली स्टेंजर डीजे सेटअप के बारे में। तो ये डीजे सेटअप सिर्फ आपको स्टेंजर में देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वो बात कर लेता हूँ। देखिए, आपका चार बेस आपको स्टेंजर में देखने को मिलेगा, वो चार टॉप आपको स्टेंजर में देखने को मिलेगा, विथ आपका एम्पलीफायर भी स्टेंजर में ही मिलेगा। आपका उधर कंपनी का आपका मैं मिक्सिंग नहीं किया हूँ इस वीडियो में, तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि स्टेंजर का टॉप बॉक्स और बेस भी होता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अगर है तो ठीक है, और कोई के आपको शायद पता भी नहीं है कि स्टेंजर का टॉप बॉक्स और बेस भी होता है। तो आज की वीडियो में टोटल इस वीडियो में बताऊँगा, और कोई भी आपको मतलब टॉप बॉक्स और बेस का रिव्यू नहीं किया होगा स्टेंजर का। तो आज वीडियो में टोटल बात करेंगे, और किस किस का मैं प्राइस बताऊँगा पहले बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं आपका टॉप बॉक्स और बेस का प्राइस बताऊँगा। एम्पलीफायर का अलग प्राइस आपको लगेगा, वो आपका मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप चाहते तो टोटल सेटअप के बारे में उसे कमेंट करके उसके हिसाब से मैं एक वीडियो बनाकर उसे टोटल एक एक का इक्विपमेंट आपका प्राइस बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको चार टॉप और चार बेस का मैं प्राइस बताऊंगा, इसके हिसाब से एम्पलीफायर कौन सा लगेगा एक एक बताऊंगा। तो चले वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जो जो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। आपको चार डीजे मतलब चार आपका बेस देखने को मिलेगा, सब स्टेंजर में देखने को मिलेगा, और चार टॉप स्टेंजर में देखने को मिलेगा। सिंपली बात करेंगे एक बेस के बारे में, तो ये आपका चारों बेस सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए बेस आपका क्या क्या फिक्सेशन है बात कर लेता हूँ। देखिए, बेस आपका 18 इंची में देखने को मिल जाएगा। ये आपका कितने वोल्टेज का देखने मिलेगा, ये आपका 600 वोल्टेज के स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। मैं इसे चीप प्राइस में मतलब थोड़ा सा मतलब कम वोल्टेज में लेकर ही बात किया हूँ, ना ज़्यादा वोल्टेज के में। तो चलिए, इसका 600 वाट में आपका बेस आता है। इसका 18 इंच का मतलब स्पीकर है, और इसका कॉयल साइज आपका हो जाता है 100 mm का। मतलब आपका इंची में कन्वर्ट कर लीजिए कितना इंची में होगा कॉयल बात करें। तो चलिए इसका बात करें टोटल वेट के बारे में। इसका वेट आपका 38 kg हो लगभग होगा। उसके साथ और एक फीचर है, इसके बेस के अंदर एक हैवी एक मतलब नेटवर्क की क्रॉसओवर लगा हुआ, लो पास क्रॉसओवर लगा हुआ है, जो कि इस बेस के लिए काफ़ी पंजेदार और बेस के लिए मतलब अच्छा बेस सुनने को मिलेगा इस स्पीकर में। और दूसरा बात करें तो टॉप बॉक्स जो कि ये आपका स्टेंजर में देखने को मिलेगा, इसमें दो स्पीकर 15 इंची में देखने को मिलेगा, और एक साथ में आपका HF भी देखने को मिलेगा। HF के साथ आपका एक क्रॉसओवर भी दिया है, जो कि आपके मतलब स्पीकर मतलब नेटवर्क किट के लिए अच्छा होता है। तो स्पीकर कितने वोल्टेज को बात कर लेता हूँ। देखिए, एक पेयर का आपका 700 वाट का होता है, तो अगर चार पेयर को कीजिएगा आप कन्वर्ट कर लीजिए कितना होगा। तो एक एक मतलब एक पेयर का मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद टोटल एक एक करके बात कर लेता हूँ। देखिए, इसका फिक्सेशन हो जाता है आपका 15 इंच में देखने मिल जाता है, 15 इंच का मतलब स्पीकर। इसका वॉयस कॉल आपको देखने मिल जाए 68 mm का, ये भी आपका इंची में कन्वर्ट कर लीजिए कितना मतलब इंची में होगा। और इसका वेट आपका लगभग 40 kg लगभग हो जाएगा एक एक बॉक्स का, चारों का नहीं सिर्फ एक बॉक्स का बात करता हूँ। वो चलिए बात कर लेते टोटल इसमें कितना लोड और मतलब कितना कौन से एम्पलीफायर लगाने से। इन सेटअप के लिए मैं दो एम्पलीफायर बताऊंगा, तो दोनों एम्पलीफायर आपका स्टेंजर में होगा। तो चलिए बात कर लेता हूँ चार बेस के लिए सबसे एम्पलीफायर कौन सा मतलब कौन सा बेस्ट एम्पलीफायर रहेगा। देखिए, एक एक बेस आपका 600 वाट का होता है, तब दोनों दो 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 पेयर कीजिएगा आपका 1200 वाट 1200 प्लस हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आप इसमें SPB का 4K में जा सकते हैं, उसमें आराम से 4 ओम में दो बेस 1200 वाट का चला सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम बात नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि 3K में चला सकता है कि नहीं चला सकता है, हाँ उसमें भी चल जाएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा साउंड क्वालिटी आपको कम मिल सकता है। तो मैं कहूँगा आप 4K में जा सकते, नहीं तो आपके लिए 3K भी बेटर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम बात नहीं, उसमें भी चल सकता है। और टॉप के लिए मैं कौन सा दूसरा इनफर बात करूँ चार टॉप के लिए, जो कि एक एक टॉप आपका 700 वाट का होता है, दो दो प्यार कीजिएगा 2 ओम में आपका मतलब 1400 वाट हो जाता है। दोनों प्यार अलग अलग कीजिए 1400 वाट प्लस 1400 वाट। तो मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा आप इसे 2 ओम में रनिंग कर सकते हैं। SPB 3K में जो एम्पलीफायर आता है 3K, तो उसमें आराम से चल सकता है, क्योंकि अगर 2 ओम में अगर 1500 वाट लोड देता है उसमें आपका आराम से चलेगा, और आपका मैचिंग भी हो जाता है, अच्छा क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा। तो उस एम्पलीफायर में वो अच्छा आपको बजेगा भी। तो चले इस टोटल आपको सेटअप के लिए दो एम्पलीफायर लगेगा, आपको ज़्यादा एम्पलीफायर लगने मतलब कोई लग। चले इन सेटअप का प्राइस भी जान लेते हैं, मतलब एक बेस का कितना प्राइस होता है। तो बेस का प्राइस आपका लगभग 8 से 9 हज़ार में पड़ सकता है, मार्केट सबसे कम ज़्यादा होते हैं, तो लगभग बीच में क्या आपका 8.5 हज़ार में पड़ सकता है लगभग। तो चलिए मान के एक इक्वल मंथ का प्राइस जान लेते हैं, मान लीजिए आपका 8 ही हज़ार में पड़ सकता है एक बेस का। तो टोटल आप कैलकुलेशन कर लीजिए आपका कितना होगा, तो 8 8 4 32 32 आपका 1000 आपका पड़ सकता है। चलिए बात कर लेता हूँ टॉप बॉक्स के लिए, टॉप बॉक्स का एक एक प्यार आपका लगभग 20 हज़ार में पड़ सकता है, तो दो प्यार का आपका 40 हज़ार, मतलब एक यदि एक एक प्यार मतलब मान लीजिए एक बॉक्स सिर्फ ओनली एक बॉक्स तो आपका 10 हज़ार में आता है। तो चारों मतलब टॉप बॉक्स से जोड़िए आपका हो जाएगा 40 हज़ार, तो 40 हज़ार में आपका चार टॉप बॉक्स आराम से मतलब हो जाता है। टॉप बॉक्स 40 हज़ार, और इधर आपका हो जाता है बेस का
32,000 मतलब आपका हो जाता है, 72,000 में आपका पूरा ये आपका चारों मतलब सेटअप आपका मिल सकता है, मतलब ऑटो बेस मतलब चार बेस और चार टॉप आपको मिल जाएगा आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। मार्केट जब थोड़ा कम ज़्यादा होते रहेगा लेकिन उतना भी मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। एम्पलीफायर का मैं प्राइस नहीं बताऊँगा, लेकिन आप दूसरा वीडियो में चाहते तो इसका भी वीडियो अलग बना दूंगा। तो चले आज की वीडियो यहीं तक, और आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएगा, उसके लिए हिसाब से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज वीडियो यहीं तक, वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।